गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है। यूट्यूब में जैसा कि आप लोग को हम सारा वीडियो डाल रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख रहे हैं और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर रहे हैं, ठीक है। आज जो बताने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन की टॉपिक बताने वाले हैं। कुछ बच्चों का प्रश्न है या फोन आया कि सर कोरिलेशन को बढ़िया से एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं कोरिलेशन, ये आपको 11th के साथ साथ 11th में इकोनॉमिक्स पेपर के साथ साथ आपको बीकॉम में भी काम देगा। बीकॉम में आपको सेमेस्टर 4 में ही आपको बिजनेस स्टडी के तहत पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको ये टॉपिक काम देगा। तो जो आपको कोरिलेशन बताने वाले हैं, इसको ध्यान देखिए। ये स्टैटिक का एक पार्ट है, कोरिलेशन। कोरिलेशन, ये कोरिलेशन जो होता है, जिसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू पर्सन। गुड। कोरिलेशन का नॉर्मल डेफिनेशन होता है रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, कहने का मतलब है कि इसको हिंदी में कहते हैं सहसंबंध। क्या कहते हैं? सहसंबंध, रिलेशन बिटवीन टू पर्सन। गुड। एक्स और वाई दो पर्सन है मान लीजिए, तो एक्स का वाई के साथ और वाई का एक्स के साथ जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को निकालने को ही क्या कहते हैं? कोरिलेशन। इसलिए कहा जाता है कि दो संख्याओं या दो चरों के बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध के लिए जब भी कोरिलेशन डिफाइन करते हैं तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जब भी हम कोरिलेशन आते हैं तो कोरिलेशन आने का बेसिकली तीन मेथड होता है। जिसमें पहला मेथड जो होता है वो होता है काल पर्सन। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है काल पर्सन मेथड। गुड। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है स्पेक्समैन मेथड। और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है कॉनकरेंट मेथड। कॉनकरेंट मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है वो होता है काल प्रश्न मेथड। यदि आपको क्वेश्चंस में सिर्फ फाइंड आउट कोरिलेशन बोलता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? हमेशा हम लोग कॉर्पोरेशन ही यूटिलाइज करते हैं। तो कॉर्पोरेशन जो होता है इसको हम स्मॉल आर से करते हैं, इस स्पेक्समैन को आर एस से करते हैं और कॉन्करेंट को आर सी से करते हैं। गुड। तो तीनों टॉपिक के तहत हम आपको एक एग्जांपल और क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले फॉर्मूला जानिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा कॉर्पोरेशन। गुड। आपको जैसा बताया है कि एग्जाम में बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है 99% क्वेश्चन वो कॉर्पोरेशन मेथड का ही होता है, ठीक है। अभी कॉर्पोरेशन के तहत हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाय रूट पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा कॉर्पोरेशन का फॉर्मूला होता है। ध्यान से फॉर्मूला देखेंगे, आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाय रूट पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। गुड। अब इसके तहत एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स एंड वाई। तो आप हमेशा याद रखिएगा कोरिलेशन में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा टू नंबर्स रहेगा, ये दो चरों का रहता है कि रिलेशन में टू पर्सन। इसमें जब भी क्वेश्चन रहेगा तो दो पार्ट में होगा, एक एक्स कहलाएगा एक वाई कहलाएगा, मतलब दो सीरीज में क्वेश्चन होगा। तो पहले सीरीज को हम एक्स नोट करेंगे और दूसरे सीरीज को हम वाई नोट करेंगे। तो हमारा मान लीजिए एक्स वाई क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5, वाई दिया है 10 20 30 40 then 50, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। हम आपको बिजली एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोरिलेशन में कॉर्पोरेशन के तहत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है एक्स एंड वाई, पहले एक्स वाई सेकंड को एम एन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को हम ऐड करेंगे।
तो ऐड करते हैं तो ये होता है हमारा 15 और ये होता है 150। गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x बार, यानी x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बाय n। तो सिग्मा x 15 है, गुड, सिग्मा x 15 है, n मेरा 5 है, ये निकलेगा 3। निकालेंगे y बार, सिग्मा y बाय n, ये होगा 150 बाय 5, ये निकलेगा 30। गुड। हमने क्या किया, दोनों को पहले ऐड करें, x ऐड करके आया 15 आया, y ऐड करके 150 आया, उसके बाद x बार निकालेंगे तो 3 आएगा, y आएगा तो 13 आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं dx, ध्यान से देखिएगा क्या निकालते हैं। तो dx का रिलेशन जो है वो x के साथ है, तो dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस x बार, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले x y बार निकालने के बाद हम निकालेंगे dx, dx निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस x बार, x बार का मान हमारा निकला हुआ है जो दिया है 3। गुड। अब हम क्या करेंगे, x में x बार को माइनस करेंगे, तो x 1 है, बार 3 है, तो 1 में 3 गया तो माइनस 2, 2 में 3 गया तो माइनस 1, 3 में 3 गया तो 0, 4 में 3 गया तो 1, 5 में 3 गया तो 2। जैसे ही निकलेगा हम क्या करेंगे, dx का होल स्क्वायर करेंगे, तो dx का होल स्क्वायर 2 का 4 होता है, 1 का 1 होता है, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये हमारा निकला dx स्क्वायर। अब हम निकालेंगे dy, तो dy का फॉर्मूला होता है y माइनस y बार, y बार हमारा निकला हुआ है सर, तो y बार निकला हुआ है 30। अब क्या करें, ये सेकंड पार्ट जो y बार है इसका रिलेशन किससे है, y से है। अब इसको हम y से माइनस करते हैं, तो 10 में 30 जाएगा तो माइनस 20, 20 जाएगा तो माइनस 10, 13 जाएगा 0, 14 जाएगा 10, 15 जाएगा तो 20। जैसे निकलेगा हम निकालेंगे dy का होल स्क्वायर, dy का 20 का होता है 400, 10 का होता है 100, 0 का 0, 10 का 100, देन 20 का 400। अब इसको हम क्या किए, 1000। गुड। अब हम निकालेंगे dx into dy, ध्यान देखिए सर, इसको आप रिपीट करके एक से दो बार देखेंगे ना, तो हम गारंटी करते हैं कैलकुलेशन के तहत क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। dx और dy दिया हुआ है, ये है dx और ये dy, तो dx का ये पार्ट है, dy का ये पार्ट, दोनों को इंटू करें तो 22 are 40, 10 ones are 10, 0 0 0, 10 ones are 10, then 22 are 40, ये होता है 100। गुड। अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन में r का फॉर्मूला होता है सिग्मा dx into dy divide by root पे सिग्मा dx square then सिग्मा dy का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये मेरा 100 है, यहाँ dx square का मान मेरा 10 है, then ये 1000। अब हम क्या करेंगे, रूट यहाँ क्या करेंगे, ये 100 लिखेंगे डिवाइड बाय रूट पे 40, वर्गमूल जोड़ेंगे तो 100 बाय 100, ये निकलेगा हमारा आंसर। तो एक नियम होता है कोरिलेशन में, कोरिलेशन में यदि आप कैलकुलेशन स्पेक्ट्रमल या कॉन्करेंट मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमेशा आंसर इसका एक और एक से कम होता है। तो ये हुआ टॉपिक आपका कैलकुलेशन, इसको ध्यान देंगे, ये टॉपिक आपका क्या है, कैलकुलेशन। अब आपका सेकेंड टॉपिक जो है वो है स्पेक्ट्रमल, इसको आप लिख लेंगे, दिक्कत नहीं होगा, जो बता रहे इसको लिख लेंगे, फायदा रहेगा, ठीक है। अब जो बताने वाला टॉपिक उसका नाम है स्पेक्ट्रमल मेथड, जो भी टॉपिक बता रहे हैं इसको आप ध्यान से लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको बताएंगे कॉन्क्रीट, तीनों टॉपिक बता देंगे, ध्यान से देखना है तो इस वीडियो को एक से दो बार देख लेंगे, आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, किसी भी तरह क्वेश्चन रहेगा आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक हमारा है उसका नाम है स्पेक्ट्रमल मेथड, गुड। इसके तहत जो फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इनटू एन स्क्वायर माइनस 1, गुड। ये आपका स्पेक्ट्रमल मेथड है, तो इसके तहत कोरिलेशन जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे स्पेक्ट्रमल मेथड लिखा रहेगा, और नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा बार बताए हैं कि कैलकुलेशन मेथड ही यूटिलाइज करेंगे। तो इसके तहत मान लीजिए क्वेश्चन हमारा रहेगा एक्स और वाई क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन है, एक एक्स रहेगा और एक वाई रहेगा। मान लीजिए हमारा है 30, 20, 40, 80, 90, 50, 70,
देन 85, देन 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है 40, देन 45, ये 50, ये 10, ये 30, ये 20, ये 42, ये 17, देन 80, देन 100. गुड, अब बोला है फाइंड स्पेक्समैन मेथड. अब करना क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स से निकालेंगे डीएक्स, और डीएक्स जो निकले वो एक्स निकलेगा, उसके बाद निकालेंगे डीवाई जो वाई निकलेगा. तो कैसे निकालते हैं, तो dx जब x निकालते हैं तो x में सबसे मिनिमम नंबर कौन है वो चेक करेंगे. सबसे कम संख्या, छोटी संख्या है वो मेरा 20 है, तो 20 में 1 लिखेंगे. उसके बाद 30 है तो वहां 2 लिखेंगे. 30 के बाद 40 है तो वहां 3 लिखेंगे. 40 के बाद 50 है तो वहां पे 4 लिखेंगे. 50 के बाद हमारा है 17 तो वहां 5 लिखेंगे. उसके बाद 80 है तो 6, 90 है तो 7, नहीं नहीं 95 भी है सर, 7, 90 तो 8, देन 9, देन 10. गुड, सेम डिवाइड निकालेंगे तो y से, y मिनिमम कौन है 10, तो 1, 20 है तो 2, 30 है तो 3, 40 है तो 4, 42 है तो 5, 45 है 6, 50 है तो 7, 80 है तो 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10, 1, 22, 33, 44, 44, 42, 5, 45, 6, फिर हमारा 45 के बाद 50, 7, फिर हमारा 7, फिर 17, 8, 89, देन 110. गुड, मतलब एरन सिस्टम से मिनिमम से मैक्सिमम नंबर देख के नंबर फिट कर लेंगे. उसके बाद हमारा निकलेगा डी, है निकलेगा, तो डी जो निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है डीएक्स माइनस डीवाई, डीएक्स माइनस डीवाई. तो 2 में 4 गया तो माइनस 2, 6 में गया तो माइनस 5, 3 में 7 गया तो माइनस 4, 6 में गया तो 5, 8 में 3 गया तो 5, 4 में 2 गया तो 2, 5 में 5 गया 0, 7 में 8 गया तो माइनस 1, 9 9 में 0, 10 में 0. ये निकलेगा, हम निकालेंगे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर में इसका होल स्क्वायर 2 का 4, 25, देन 16, देन 25, 25, 4, 0, 1, 0, 0. इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 4, 16, 15, 20, 25, then 30, ये 3 बचा, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 100. जैसे निकलेगा हम यहाँ पे पुट करेंगे R S equal to 1 minus 6 sigma D square divided by N into N square minus 1. इसी फॉर्मूला पुट करेंगे तो करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 1 minus, हम यहाँ क्या करेंगे 6 into 100 divided by N, एन का जो डिजिट है, एन नंबर कितना, 10 है, तो 10, 10 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस 600, देन 10, ये 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 600, देन 990. अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 990 माइनस 600, इसको कैलकुलेट कर देंगे. गुड, तो ये हुआ हमारा स्पेक्समैन मेथड. क्या हुआ, स्पेक्समैन मेथड. अब आपको बताते हैं कॉन्करेंट मेथड. तो हमने आपको बताया कौन, हमने बताया कैलकुलेशन मेथड, स्पेक्समैन मेथड. अब जो बताने वाले हैं मेथड, इसको लिख लीजिएगा, लिखने से आपके लिए आसानी होगा, ध्यान रखिएगा. अब आपको इसी क्वेश्चन बताएंगे कॉन्करेंट मेथड, ध्यान रखिए सर, इसी क्वेश्चन के तहत जो भी टॉपिक बता रहे हैं इसको लिख लेने से फायदा होगा, या एक से दो बार देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा. गुड, अब तीसरा टॉपिक जो है उसका नाम मेरा है कॉन्करेंट मेथड.
तो कॉन्करेंट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर सी स्क्वायर टू प्लस माइनस टू सी माइनस के, या पहले प्लस में यहां भी होता है, यहां लिखेंगे टू सी माइनस के रूट पे प्लस माइनस टू सी माइनस के बटा के, ये फॉर्मूला होता है। गुड, करना क्या है, इसमें क्वेश्चन एक्स वैल्यू है, मतलब पूरे कोरिलेशन में क्वेश्चन समय से टू सीरीज होगा, एक एक्स होगा और एक क्या होगा वाई होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहां निकालेंगे हम डीएक्स, डीएक्स, उसके बाद हम क्या करेंगे डीवाई निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे डी एक्स इंटू डी वाई। गुड, तो सबसे पहला नियम ये होता है कि डीएक्स जब एक्स निकालेंगे तो पहला नंबर हम छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट नंबर जो 30 है वहां कुछ नंबर पुट आउट नहीं करेंगे। अब 30 देखेंगे, 30 तो नहीं हो गया, कुछ नहीं करेंगे, तो अब सेकंड नंबर 20 देखेंगे, तो देखेंगे 20 हमारा 30 से बड़ा या छोटा है, तो छोटा है तो माइनस। अब 20 जो है वो 40 से क्या है, 40 हमारा 20 से बड़ा है तो प्लस हो गया, अगला बड़ा है तो प्लस हो गया, अगला बड़ा है तो प्लस हो गया, अगला छोटा है, अगला फिर मेरा बड़ा है 50 से, अगला फिर बड़ा है, अगला फिर बड़ा है, और अगला फिर बड़ा है। गुड, सेम इसमें देखेंगे तो 40 छोड़ देंगे, 45 50 से क्या है हमारा, 45 50 से क्या है हमारा छोटा है माइनस नहीं प्लस बड़ा है, फिर हमारा 45 से 50 बड़ा है तो प्लस, छोटा है बड़ा है छोटा है मेरा 42 बड़ा है 40 17 प्लस है, ये भी प्लस और ये प्लस, मतलब कहना था जो भी नंबर इंक्रीज है वो प्लस में, जो डिक्रीज है वो माइनस में। अब डी एच की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस होता है और ये प्लस, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, कहने मतलब हमारा जो हमारा के है वो कितना हो गया सर, मतलब सिर्फ प्लस देखना है, क्या देखना है प्लस, और नंबर जो देखना है हमको नंबर एन वो हमारा 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां लिखेंगे आर सी इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस 2 × 9 − 7 डिवाइड बाय 7, तो हमारे ये कट गया तो बचा हमारा 18 − 7 डिवाइड बाय 7 या रूट में 11/7, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.77 4 बचा 7/6। गुड, अब इसको हम तोड़ देंगे तो हमारे आंसर होगा। तो ये हुआ कॉन्करेंट मेथड। तो अभी तक आपको बताया कालप्रश्न मेथड, स्पेक्समैन मेथड और कॉन्करेंट मेथड, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समस्या नहीं होगा। ये पूरा टॉपिक कोरिलेशन का है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा कैलकुलेशन, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है, इसको एक से दो बार देख लीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, ओके।